हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो देखिए, रात का समय है और हम आए हुए हैं एक जगह घूमने के लिए। हम आए हैं उत्तर प्रदेश मुरादनगर की साइड। तो यहाँ का पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे आज रात से लेके कल तक का। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और देखेंगे कि रूरल एरिया कैसा दिखता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है। ये मेरी मम्मी है, देखो कूड़ा चुक रही है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये मेरी मौसी है, वो शर्मा शर्मा के कमसन, 16 साल की कमसन कली बनती चली जा रही है। और ये है मेरी मामी जो दिखने अंधेरे में हो गई है। कोई नहीं, इनके बारे में भी अभी आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं, देखते रहिए आप, थोड़ी रोशनी आती है तो आपको दिखाते हैं। मेरी बाकी की फैमिली भी आई है, वो देखिए वो पीछे पीछे भाग रहे हैं सब, वो देखिए आपको दिखाते थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है जैसे भिखारियों की भीड़ भाग रही है। तो ये देखिए, ये रहे वो जो अंधेरे में दिखने रहे थे, ये रहे सब। ये मेरी मौसी है, ये मेरी मम्मी है और वो मेरी मामी है। हेलो, ये देखिए मैं नहीं दिख रहा हूँ, देखिए यहाँ का एरिया, वाह पार्टी शादियाँ चल रही है शायद। तो देखिए अब रात का समय हो रहा है, मेरे ख्याल में शायद इस वक्त रात के 10:15 हो गए हैं। और आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश की जगह। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें, ये देखिए फाइनली हम लोग पूरी फैमिली मिल गए हैं यहाँ पर। ये थक चुका है, ये हमारा कुली है, ये कुली नंबर 1 है। यहाँ भी बनता है लेकिन यार कोई तो नहीं है यहाँ पे। तो मौसा जी वो देखो उनके फेशियल इंप्रेशन से पता लग रहा होगा वो बुराइयाँ कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं इधर उधर की। और हम आगे आगे हैं, चल रहे हैं। वाओ आइसक्रीम सा देखिए, पर खिलाए विलाएगा नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, फिर आएंगे वापस तो तब खाएंगे। कितना सुनसान एरिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है 12 बज गए हैं। दिल्ली के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे मतलब मैं 8-9 बजे आया था मैं, और जब से लेके अब तक बिल्कुल सुनसान एरिया ही लग रहा है यहाँ पे। घर बड़े सुंदर सुंदर है यहाँ पर, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई है घर घर में। वाओ ये देखिए कुत्ते घर ही नहीं सो रहे यहाँ पर। और ये है यहाँ पर एक फास्ट फूड शॉप, ये देखिए इधर की साइड कितना ज्यादा अंधेरा है, दूर दूर तक का एरिया आप देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखोगे यहाँ का एरिया बिल्कुल अंधेरा, ऐसा लग रहा है किसी स्कैरी जगह पर आ गए हैं। सच में आप लोगों को यहाँ का एरिया देख के डर लगेगा, रियली बिल्कुल ऐसे जंगल है शायद, देखा था एनिमल भी यहाँ पर निकल कर आ जाए। ये देखिए मेरी पूरी की पूरी फैमिली है जिस जगह पर मैं आया हुआ हूँ, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं। और ये हमारा शैतान बालक है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, देखने में मासूम है पर है वो शैतान। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मासी के यहाँ पर, तो देखिए वहाँ पर देखेंगे वहाँ का व्यू, उनका घर सब चीज़ें। तो ये है हमारा प्यारा प्यारा गन्नू, जो अभी जिसको हम लेकर आए थे, इसका फेस भी चेंज हो गया है। हाय कैसे हो आप, हेलो पैसे वालों का, हेलो करो हेलो। वाओ सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो कितना क्यूट बच्चा है। ये देखिए हाँ भूतों की बातें चल रही हैं, इतना डर डर के इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं डर नजर आ रहा है सबके। सांप के बारे में बात चल रही है, ओह माय गॉड, यहाँ डर रहे हैं लोग क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना स्कैरी है, इसी वजह से ये लोग डरे डरे नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ओह माय गॉड, कृपया करके आप अपना गृह प्रवेश करेंगे। वेलकम वेलकम एवरीवन वेलकम।
ये देखिए शैतान बालक जो पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और यहाँ पर भी शोर शराबा मचा रहे हैं। देखियो को तो आप देख सकते हैं रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है तो ये रील्स बनाने में लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर हो गई है लड़ाई, ओ माय गॉड लड़ाई हो चुकी है, पुलिस बनाने की नौबत आ रही है यहाँ पर लड़ाई, ओ माय गॉड और ये लड़ाई बढ़ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अब रो मत रो मत, कोई बात नहीं होता है। तो पिटने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो देखिए गाइज हम आ गए हैं अपनी मौसी के यहाँ पर, ये है मेरी मौसी जिनका मैं आपके बारे में रास्ते से बताता हूँ। तो देखिए गाइज ये हैं दो दो बच्चे जिनके बीच में अब होने वाली है फाइट, देखते हैं फाइट होती है या प्यार। आ जाइए, तो ये दोनों के दोनों मैदान में आ चुके हैं और अब देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफी अच्छा घर है ये, बड़ा मजा आया यहाँ पर, बस भूख बहुत तेज लग रही है, खाना खाने का मन है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर चल रही है भंडारे की तैयारी, आप देख सकते हैं जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है भंडारे की। तो क्या क्या आप भंडारे में आज के, देखिए ये रायता है, आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हैं वैसे? और ये देखिए ये सलाद है और यहाँ कढ़ाई चढ़ी हुई है, बाकी पता नहीं। ये देखिए मैम बताएंगे, मैम बताइए क्या क्या खाने में, आलू है और अरे वाह ये तो काफी स्टैंडर्ड वाला भंडारा लग रहा है। तो चलिए सबको इसके बारे में बताएंगे नहीं, सरप्राइज नहीं रहेगा वरना। देखिए ये घर में मंदिर भी बना हुआ है, गुरुजी हैं, जय गुरुजी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भंडारा चालू हो चुका है और ये लोग खाने में लगे हुए हैं ठूस ठूस के। अभी तक मतलब मैंने खाना नहीं खाया है और ये लोग देखिए भंडारे में लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि पेट भर के भंडारा खाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है, आपने नहीं खाया अभी तक भंडारा? मैं शामिल नहीं। अच्छा आप नहीं खाओगे, अच्छा सेहत की काफी परवाह करते हो आप। ये देखिए यहाँ लगे हुए हैं गाइस, आप देखिए ये झूठ बोल रही है, अब ये भर भर के भंडारा खाने वाली है क्योंकि आज भंडारे बने भटूरे और भटूरे इनके फेवरेट, अभी आप देखना कैसे खाएंगी ये। अभी इन्होंने बोला ना कि भंडारा नहीं खाना, अब खाएंगे। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे जो भंडारा खाने आए थे वो खा लिया है, अब हम घर की तरफ वापस चलते हैं। तो वो पीछे देख रहे हैं एक पार्टी हो रही है, शायद अब वहाँ पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी इन लोगों का पेट नहीं भरा, मुझे नहीं खाना, मैंने तो खाया ही नहीं, आपने देखा ही था सब लोग की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मेरी नहीं हुई है खाते हुए। आप देख सकते हैं ये अंधेरी रात और ये फाइनली हमें भूतनी ढूंढ रहे थे, तो भूतनी मिल चुकी है इस वक्त। ओह माय गॉड, बहुत ही डेंजर भूत है ये तो। तो ये देखिए ये सारे लोग भंडारा खाने के लिए गए थे, फाइनली खा पी के आ गए हैं। देखो ये कितनी खुश हो रही है ना, तो दो चार कितने भटूरे खाए हैं, दो अच्छा कह रही है 200 भटूरे खाए हैं, इसे शर्म आ रही है 200 बोलने में। देखो कितनी भीड़ में कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे भंडारा खाने के लिए, ये देखिए इनसे चला ही नहीं जा रहा है, कितने भटूरे खाए, 100 भटूरे, ओ माय गॉड। वो देखो कुत्ता का भौंकना शुरू हो चुका है, ये रात के 12 बज गए हैं, 12 बज गए, रात के एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं। ये देखिए आज बुला रहे कि हमें भी भंडारा खाना था। ये देखिए सुनसान एरिया, पूरे गलियों में कोई भी नहीं हमारे अलावा, सिर्फ हम और हमारी फैमिली। अभी आज रात को हम सोने वाले नहीं है बल्कि कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं, वो जो आपको दिखाएंगे, खूब मस्ती होगी, खूब मजा आएगा, तो सारे की चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, रात को नींद बड़ी अच्छी आई और अब है नाश्ते का वक्त। भैया अपने आप को तो देखिए, देखिए सब लोगों की हालत आप देख सकते हैं, सुबह की कैसी हुई हुई है, ठीक है। और अब है नाश्ते का टाइम, तो हम लोग करेंगे नाश्ता। तो ये देखिए गाइस आज के नाश्ते में है पैटीज और ये रही कॉफी और बिस्किट एंड नमकीन, ठीक है। तो ये सब आज मैं खाने, मेरा मतलब ये सब लोग खाने वाले हैं, मैं भी खाऊंगा। ये देखिए आप देख सकते हैं सुबह सुबह की हालत सबकी,
ठंड लग रही है अभी हम ये बिना नहाए धोए लोग हैं। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ये तो कन्नमूल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए सब लोग को आप देखिए, ये फोन चलाने में बिजी इंसान, नाश्ता सामने है और ये फोन चला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मामी छुप छुप के खाना खा रही हैं। इनको डर है कि पता ना लग जाए कि ये चार पांच पैटी सेक्स है। ये तो दो रखी है ना, ये भी मामी नहीं खानी है अभी, तो जरा छुप छुप के खा रही है ताकि वीडियो में ना आए। ये इनकी शादी को अभी एक ही महीना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए जब से खाना खाए जा रहे हैं, कम से कम आधे घंटे पहले मैंने कॉल किया था, और ये देखिए अभी साथ में नहीं मतलब आप। तो फ्रेंड्स अब हम चलने की तैयारी में और आपको दिखाएंगे एक बड़ी ही सुंदर रिवर जिसमें हम लोग पार्टी भी करेंगे और काफी ज्यादा एंजॉय भी। ओके तो दिखेंगे आपको कैसे, कहाँ जाने वाले हैं हम जरा बता सकते? छोटे हरिद्वार, ये कह रही है छोटे हरिद्वार जाने वाले हैं। ये देखिए पूछिए, बता रही है सारी बातें नहर के बारे में, बताइए जरा। हम नहाने के बाद बताएंगे भाई कैसा लगता है। ओके चलिए सबकी फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। पूरी फैमिली जा रही है आज यहाँ पर तो पिकनिक मनाने के लिए। हम लोग यूपी साइड आए हुए, आपको बताया था। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा मतलब लंच हो गया सॉरी। तो अब इसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। ओके चलिए मिलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स देखो हम लोग निकल गए हैं छोटा हरिद्वार जाने के लिए। तो देखो ये सारी मेरी फैमिली और चलते हैं हम लोग, तो आज काफी मजा आएगा। मैं भी तो हूँ। ये है दो मेरी पागल बहनें पिकनिक पे। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी की पूरी फैमिली पीछे आ रही है मेरे पीछे पीछे भागते हुए। एक्चुअली ये लोग आज तक यहाँ कभी घूमे नहीं है, इनको सबको घुमाने के लिए मैगी लेकर आया हूँ। अभी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, नहर पे जा रहे। ये देखिए ये ना ड्रग्स का नशा भी करते हैं, आप सब देख सकते हैं। आप भी करेंगे तो बताएं कमेंट में, कमेंट कर दे आप। ओए कमेंट में पूछ रहे हैं किस कर दे। ये देखिए आप देख सकते हैं तरीका है ये, इसका नाम सुगंध। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। गाइस मैंने लोगों के साथ सीखा कि कैसे नशा करते हैं, हमने काफी अच्छा लगता है नशा, सातवें आसमान में पहुंचा देता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसका नाम क्या है? ये देखिए लोग सब यही नशा कर रहे हैं, ध्यान से देखें इनको, हमें बच्चों को भी करवा रहे हैं। तो गाइस मैंने देखिए चश्मा लगाया है, आप जरा मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे ऊपर चश्मा कैसा लग रहा है, एंड मेरे आउटफिट्स भी आप देखिए और कमेंट कीजिए कि मेरी लुक कैसी लग रही है आप सभी को। देखते हैं कि हम लोग नहर पे कैसे जाएंगे, हमें छोटा जाएंगे ट्रक में। आंश आंश हम लोग छोटा हरिद्वार कैसे जाने वाले हैं आज, किस चीज़ के थ्रू? फटफटी के थ्रू। फटफटी की क्या होती है? शायद बैटरी रिक्शा को यहाँ के लग में फटफटिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी टोटली फैमिली है, लग रहा है सब लोगों के बीच बड़ी गहरी मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत गहरी मीटिंग चल रही है सबके बीच, ऐसा लग रहा है लड़ाई हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिक्शे से जाने वाले हैं, तो बस आके हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं, स्पेस नहीं है बट फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। एक के ऊपर एक चढ़ गए, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ये देखिए आप इन लोगों को भी सबको तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा है। यस तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, अभी हम लोग भी नहाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं छोटा हरिद्वार और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैं आती नहा रही हूँ। तो चलिए दोबारा से हम लोग चलते हैं। हार्दिक अभिनंदन यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है, आप प्रेम
पानी से स्नान करें। वो ये श्रद्धालु बैरिकेडिंग से आगे जा रहे हैं स्नान करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर दोनों घाटों पर ये पुलिस प्रशासन की ओर से बनाई व्यवस्था महिला घाट बनाया हुआ है। कृपया करके महिला घाट में कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो स्नान करें, न वहाँ प्रवेश करें, ना खड़ा हो, ना वीडियो बनाए, ना फोटो खींचे। ये हमारा आपसे निवेदन है। बैरिकेडिंग से आगे जाकर कोई भी श्रद्धालु स्नान करने का प्रयास ना करे। बैरिकेडिंग से आगे जाकर 12 फुट गहरा जल होता है और उसमें गहरे जल में स्नान करने से कोई भी अनहोनी होने का भय बना रहता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी भाविक यहाँ पर बैरिकेडिंग से आगे जाकर स्नान कर नदी का मगरमच्छ होने के बाद मैंने अब कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे का व्यू। सभी नहा धो के तैयार हैं, सबने गंगा स्नान कर लिया है। अब देखते हैं आगे का सीन, अब क्या करने वाले हैं हम लोग। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं एक चेन लेने वाला हूँ गले के लिए। देखते हैं कितने की आंटी है वाली, 20 रुपए की ना। ओके, पर दिखाइए, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए नहाने के बाद हम लोग पी रहे हैं चाय, और काफी टेस्टी चाय है ये। और हमने साथ में पकौड़े भी खाए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो मेरी चाय, मेरी और जो कैसे ला रहे। लो लो लो, पी लो, ये लो, ये लो, बिना भैया ये लो चाय, पी लो चाय। दोबारा से चाय बनवा, एडवर्टाइजमेंट कर दे, भैया ने चाय बहुत बढ़िया पिलाई है बनाकर। देखिए फ्रेंड्स, इन सब लोग, ये लोग सब लोग चाय पी चुके हैं और ये लोग अभी भी पी रहे हैं। ये इनका चौथा कप चल रहा है चाय का, चाय का चौथा कप चल रहा है ना, पांचवा। ये देखिए इतनी चाय लोग पीते हैं, ये इनका सातवां कप चल रहा है और इनका ये खाली दूध निकालता चाय बनाने के लिए। अच्छा ये बताइए, चाय सबको कैसी लगी? बढ़िया लगी। इसका क्रेडिट सारा भैया को जाता है, चाय भैया ने बनाकर पिलाई है। भैया आपकी चाय सबको इतनी अच्छी लगी है, सब पांच पांच कप पी है सबने, और पीने की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो गाइस आप देखिए ये पीछे का कितना सुंदर व्यू है, कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, कोकोनट ट्रीज, वाओ रियली बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ से जाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ बच्चे 15 को दे देख के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग छोटा हरिद्वार होकर आ चुके हैं, वापस घर पर। 3 दिन के ट्रिप के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ। और देखिए यहाँ का हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, कितने सुंदर सुंदर यहाँ प्लांट्स लगे हैं, कितना अच्छा घर है, कितना बड़ा घर है। एंड वाओ रियली टू ब्यूटीफुल, देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। जब
ये देखो मेरी मम्मी ये वहाँ से चिल्लाती हुई पहले से ही आ रही हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये डेली ऐसे चिल्लाती है मुझको, मेरा फोन, ये देखो ऐसे ही चिल्लाती रहती है मुझको, चलो चलो ये लो। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे घूम लिए हैं और अब हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने सारी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज करी है और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने लिया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली। बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूम कर, दो दिन का हमने यहाँ पे पिकनिक लिया, रियली अमेजिंग, बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया। तो ये अब ये देखिए पूरे ब्लॉग के बाद एंड में ये मेरी सिस्टर सबसे छोटी प्यारी सी गुड़िया हमने लिया है। तो गाइस अब हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे आइसक्रीम। ओके तो हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय टाटा, बाय टाटा। हमारी ब्लॉग यहीं पे अभी एंड नहीं हुई है, चिड़िया घर में थे आधे कहते बाहर हो गए, हमारा फोन बजा सगल काला बैग का हमारा।